आज हम आपके सामने लेके आए मारुति की विटारा ब्रेजा कार। इसके अंदर हमें इंटीरियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कुछ वेलवेट और नापा लेदर क्वालिटी के अंदर। तो आओ लेके चलते हैं आपको इंटीरियर। तो ये कार का हमने इंटीरियर करा है। सीट को उसके आप लोग आप देख लीजिए, सबसे पहले ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में कितना अच्छा लग रहा है। मस्कुलर डिज़ाइन है, नापा फिनिश है, प्लेन स्मूथ फिनिश है, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। अब हम आए थे आपके डोर की तरफ। डोर के अंदर जो हमने काम करा है वो हमने काम करा है वेलवेट में। वेलवेट के साथ में हमने इसमें डबल सेक्शन ली है रेड एंड ब्लू की। थोड़ा सा इसमें BMW थीम थी, कस्टमर की डिमांड थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें काम करा है। तो अब हम आपको गाड़ी के अंदर लेके, तो अब हम कार के अंदर आ चुके हैं। तो अब कार के अंदर डिटेल में हम बताया गया क्या क्या हमने काम करा है। सीट का जो फिट एंड फिनिश तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एक ही डिज़ाइन हमारा 3D इफेक्ट के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारी हैवी डेंसिटी की फोम लगी है। फिटिंग तो आप देख ही रहे, बिल्कुल परफेक्ट है। रेगुलर फ्री फिटिंग है और ये फिक्स फिटिंग है, बकेट फिटिंग से ऊपर होता है। इसका डिफरेंस अभी हम वीडियो में बताएंगे। प्लस साथ में आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग रैप जो है वो हमारा ब्लैक लेदर और वेलवेट के कॉम्बिनेशन में हुआ है। प्लस सुपर रेड के ऊपर बीच में स्ट्रिप आई है और साथ में जो स्टिचिंग कर रखी है वो हमने ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में करी है, जैसे कि BMW के स्टीयरिंग में आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि थोड़ा स्पोर्टी लुक मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि ब्रेजा का इंटीरियर थोड़ा अंदर सिंपल है लेकिन क्लाइंट की डिमांड थोड़ा स्पोर्टी इंटीरियर हो जाए तो थोड़ा स्पोर्टी लुक। और डोर के साथ में हम लोग देख सकते हैं कैसे BMW का जो स्टिचिंग का जो लोगो होता है सेम उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब हम आपको इसके अपर पार्ट में दिखाते हैं कि इंटीरियर में अपर पार्ट में क्या हुआ। अपर पार्ट में आप देख सकते हैं कि ब्लैक वेलवेट रूफ है हमारी पूरी और बीच में 3D डिज़ाइन है ये हमारा। थोड़ा फोकस करो तो बीच में क्लिक करके कैमरा में। ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक वेलवेट में हमने पूरी इसकी रूफ करी है। रूफ के जो छोटे छोटे बटन थे वो भी हमने ब्लैक इसमें पेंट करे हैं। और प्लस ये 3D डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं डायमंड का कितना अच्छा लुक दे रहा है गाड़ी का। थोड़ा मैं क्लोजर में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुक आ रही है इसके 3D डिज़ाइन की, डायमंड और 3D डिज़ाइन। और साथ ही हमने इसके पिलर भी जो है, पिलर्स भी हमने वेलवेट में करे हैं। पिलर और रूफ दोनों वेलवेट में करे हैं। और एक और मेन पार्ट जो गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो आएगा हमारा सामने डैशबोर्ड कंसोल। तो जो डैशबोर्ड का पार्ट भी जो है वो भी हमने इसका ब्लैक लेदर में करा है, जैसे आप देख सकते हैं विद रेड एंड ब्लू स्टिचिंग के साथ। तो ये पूरा लेदर ऐप है, पूरा यहाँ तक पूरा लेदर ऐप है ब्रेजा में, आप देख सकते हैं। और ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आ रही है। मैं आपको थोड़ा अपनी तरफ से व्यू करके दिखाता हूँ कि फ्रंट से देखने में कैसा लगता है डैशबोर्ड। तो कुछ इस तरीके की लुक आएगी आपकी स्टीयरिंग की और डैशबोर्ड की विद स्टीयरिंग के साथ, कि गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आएगा और एक फील ही अलग आएगी और थोड़ी सी BMW की वाइब मिलेगी आपको। और अब हम आपको लेके चलेंगे बैक की तरफ। आओ बैक की तरफ, हमारी ये बैक की लुक है। बैक के आप लुकआउट चेकआउट कर सकते हैं फिटिंग फिनिश। एक और मेन चीज़ जो हम वीडियो में आपको बताना चाहेंगे, इस गाड़ी के अंदर जो हमने फिटिंग करी वो हमने करी फिक्स फिटिंग। नॉर्मली हम सभी गाड़ी में फिटिंग जो करते हैं फिक्स करते हैं, लेकिन हमने डिटेल में कभी नहीं बताया। तो आज हम आपको डिटेल में बताते हैं बेसिकली फिक्स फिटिंग होती है। बकेट फिटिंग तो आप सबने देखा होगा, सीट पर वो काट के फिटिंग करके फिटिंग करते हैं। फिक्स फिटिंग फिटिंग जो होती है बिल्कुल कंपनी वाली फिटिंग होती है, उसमें क्या होता है ओरिजिनल कवर पूरा रिमूव करते हैं और उसके बाद हम उसका कवर स्टिच करते हैं। ये बिल्कुल सेम हमारी कंपनी फिटिंग वाली ही फिटिंग है। आप देख सकते हैं कंपनी में भी ऐसी स्टॉक आपकी फिटिंग आती है, सेम हमारी वैसी ही फिटिंग है। इधर कंपनी का कारपेट इधर लगा हुआ है, सारी ये बीडिंग वाली फिटिंग होती है। कोई इस सीट कवर में हमारा कोई एल्फी और कोई डोरी इलास्टिक का यूज़ नहीं होता, सारे कंपनी के ओरिजिनल लॉक्स इसमें लगते हैं, उसमें फिटिंग होती है। अब हम आपको बैक की तरफ दिखाते हैं कि बैक से कैसी फिटिंग है। इधर आप डिग्गी में भी देख सकते हैं, डिग्गी में पूरा ओरिजिनल कारपेट है लगा हुआ है कंपनी का और कंपनी के ही सारे लॉक्स लगे हुए हैं। अब साइड की तरफ देखते चलते हैं,
साइड की फिटिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल रिंकल फ्री फिटिंग है, कोई भी आपको रिंकल नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो बकेट सीट कर होते हैं वहाँ पे डोरी इलास्टिक होता है, इसमें कोई भी डोरी इलास्टिक का काम नहीं है। और आपको हमारा काम अच्छा लगा और आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503 9274 पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।